नमस्कार, मैं हूं जगतपाल और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव सरगर्मी पर है और आगामी 7 तारीख को पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह में, जिसमें तमाड़ विधानसभा क्षेत्र भी आता है, उसमें मत पड़ने वाले हैं। और आज हम आशीष न्यूज की पूरी टीम आज एक विषय पर चर्चा पर हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं कि क्या होने वाला है, चुनाव का दौर किस तरफ मुड़ रही है, लोगों की, जनताओं की राय और क्या होने वाले आने वाले वक्त में, इसको लेकर के हम लोग कुछ सघन लोगों के बीच में जाकर के रिपोर्टिंग किए, लोगों से बातचीत किए, लोगों से बातचीत पूछे, क्या कमी है, क्या बेसी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और चर्चा का विषय हमारा यह है कि इस बार तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो किस रूप में आ रही है, जनताओं का किस प्रकार का राय बन रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज विषय हमारा, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं काशीनाथ जी, उर्मिला मुंडा और ममता मेहता, ये सारे इस चर्चा के विषय में हैं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस बार जो समीकरण है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का, वो समीकरण किस ओर बनता हुआ नजर आ रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम तमाम जो भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, इस विषय को लेकर के हम आपके सामने मुखातिब होंगे। तो सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं तमाड़ विधानसभा का उस दौर से कि आज आशीष न्यूज की टीम लगभग पूरे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा करती है और करके कुछ रिपोर्ट आपके सामने लगातार पेश कर रही है। आज हम लोग उस चर्चा को एक मूर्त रूप देने जा रहे हैं जिसमें कैंडिडेट्स की जो स्थिति है या जो वोटरों की जो स्थिति है, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अब ये एहसास लगता है कि आखिर इस रनवे में किन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो दौड़ में हैं, किन की तरफ रुझान लोगों की बढ़ रही है और किस किस मुद्दे को लेकर के चुनाव विनिंग हो सकता है, इस तमाम चीज़ों पर हम चर्चा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले बार 13 प्रत्याशी थे और इस बार 17 प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। और इस बार की तमाड़ सीट बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, ये एक बड़ा दिलचस्प है, बड़ा ही एकदम शानदार समीकरण बन रहा है अभी तमाड़ विधानसभा को क्षेत्र को लेकर के। दिलचस्प इस बात को लेकर के कि पिछले बार जो चुनाव हुई 2014 में, जिसमें आजसू और बीजेपी संयुक्त रूप से अलायंस के साथ उन्होंने लड़ा था, और उस वक्त जो आजसू और बीजेपी की जो टोटल तुनका था उसमें से एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनको पूरा वोट मिला था, लेकिन आज वही सिटिंग विधायक जो आज झामुमो में शामिल हो गए, और झामुमो में शामिल होने के बाद आज अगर देखा जाए तो बीजेपी का और आजसू का जो वोट उनको मिल रहा था, एक बहुत बड़ी उस मात्रा में मिल रही थी, आज बिल्कुल उससे डिस्कनेक्ट हो गया है। और आज वो इंडिपेंडेंटली झामुमो में शामिल हो गए, और झामुमो में जाने के बाद आज झामुमो का अगर आंकड़ा देखा जाए पिछले चुनाव के दौर के आधार पर, तो लगभग झामुमो का जो चुनावी दौर रहा था पिछले बार, लगभग 2000 के आसपास झामुमो को वोट मिला था, लेकिन आज विधायक जो पूर्ण रूपे ना विधायक चले गए झामुमो में और काफ़ी देर के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो एक बड़ा दिलचस्प होगा। साथ ही साथ कई ऐसे बुद्धिजीवी और शिक्षाविद भी चुनावी मैदान पर खड़े हैं। अगर हम देखा जाए तो निर्दलीय में डॉक्टर प्रकाश चंद्र उराव, सुनील सिंह मानकी और अभी आजसू का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है, बीजेपी का इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट खड़ा है। तो ये बात बड़ा रोचक हो गया है कि आखिर जनता इंडिपेंडेंट जो आज बीजेपी का रीता मुंडा जी हैं और आजसू से राम दुर्लभ सिंह मुंडा जी हैं, और ये दोनों पार्टी अलग अलग कैंडिडेट खड़ा की है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा रोचक दृश्य होने वाला है आने वाले टाइम में कि जनता किसको चुनेगी। हालांकि पिछले बार आजसू और बीजेपी का जो गठबंधन था उसको बेस बनाते हुए विकास मुंडा को सेहरा बनाया गया था, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रमेश सिंह मुंडा जिन जो उनके फादर थे, जो विधायक थे, जो मिनिस्टर भी रहे थे इस प्रदेश के, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट उनको मिला। और कहीं ना कहीं आज स्थिति बड़ा रोचक देखने लायक बन गया पूरे प्रदेश में। अगर देखा जाए तो झारखंड में से ये तमाड़ विधानसभा जो चुनाव है बड़ा दर्शनीय रोचक होने वाला, बड़ा घमासान होने वाला, बड़ा देखने वाला बनने वाला, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कैसा होने वाला है। बिल्कुल, एक रोचक तथ्य है इसमें। और मेरे एक सवाल मेरा मन में आ रहा है कि इस बार 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो हमारी टीम जगह जगह जाके गांव-गांव में लोगों तक पहुंचने का कोशिश की है और जानने का प्रयास की है कि 5 साल के दरमियान क्या क्या हुआ और वो कैसा नेता को चाह रहे हैं आने वाले समय में। तो आपको कैसा लग रहा है ये 17 कैंडिडेट में से हमारे बीच में कितने कितने प्रत्याशी पास हुए हैं जो मतलब तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि इस तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में लगभग अभी 17 कैंडिडेट मैदान में हैं, और उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूर्व विधायक भी हैं, यहाँ तक कि मिनिस्टर भी रहे हैं,
दो ऐसे विधायक हैं जो पूर्व विधायक भी हैं, जिसमें विकास कुमार मुंडा और दूसरा है गोपाल कृष्ण पात्र उर्फ राजा पीटर। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले से भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो पहले अपना भाग्य आजमाए नहीं थे, लेकिन आज चुनावी मैदान पर खड़े हैं, जिसमें रीता मुंडा जी भाजपा बीजेपी से हैं। एक और भी व्यक्ति हैं जो कि नक्सली रहे थे अपने लाइफ में, आज उनके कोर्ट में रहते हुए भी आज चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय में, जिसमें झापा पार्टी से कुंदन पाहन। तो कहीं ना कहीं अभी दौड़ में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हमारे जो टीम गई थी जहां पर, जिसमें कई बार ऐसा भी देखने को मौका मिला कि बहुत सारे ऐसे जनता हैं जो सिटिंग विधायक को देखा तक नहीं है, उनके कार्य को भी नहीं देखा है, कुछ ऐसा भी है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने का मौका मिला जहां पर अच्छा छवि भी है। रही बात राजा पीटर की भी, तो चुनावी मैदान में 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका हवा जो है मार्केट में है, जिसमें से कुछ लोग शिक्षाविद भी हैं, शिक्षा को लेकर के जो शिक्षा से फील्ड से भी हैं, जो समाज के जागरूक वर्ग है, वैसे लोग भी इस मैदान में खड़े हैं। जिसमें से अगर भारतीय जनता पार्टी के तौर पे देखा जाए तो रीता मुंडा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी गवर्नमेंट चल रहा है, यहाँ तक कि स्टेट में भी गवर्नमेंट उसका ज्यादा रहा है बीजेपी का, तो बीजेपी का भी एक कड़ी अच्छा है। और झामुमो में से अभी जो अभी सिटिंग विधायक है विकास कुमार मुंडा, इनका भी नाम है। आजसू पार्टी जो कि कहीं ना कहीं झारखंड बनने से लेकर के लगभग आज तक सरकार के साथ में कार्य कर रही है, उसके कैंडिडेट रामदुर्लभ सिंह मुंडा, उनका कहीं आजसू पार्टी का भी कहीं ना कहीं नाम हवा है। उसके अलावे झापा के अंदर में जो अभी नए तरीके से कुंदन पाहन जो हैं, उनका भी कुछ न कुछ लोगों का पकड़ है। उसी प्रकार से अभी जैसे कांग्रेस ने तो झामुमो को दिया है, साथ ही साथ एक आप कह सकते हैं निर्दलीय में कई से लोग हैं, जिसमें सुनील सिंह मानकी हैं, या तो देवीदयाल सिंह मुंडा जी हैं जेवीएम से, और उधर आपका प्रकाश चंद्र उराव जी हैं। सारे लोग हैं, 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका लोगों में अच्छा पकड़ है। पिछले बार हालांकि प्रकाश उराव जी जब कांग्रेस से खड़े हुए थे, अच्छा उन्होंने कवरेज करी थी, लेकिन साथ ही अभी जो सबसे ज्यादा देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फील्ड में लोग अच्छा कर रहे हैं, लोग उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और इन 4-5 लोगों के बीच में लड़ाई होगी। कहीं ना कहीं काशीनाथ सर, इस बार चुनाव का माहौल कैसा दिख रहा है? चुनाव का माहौल तो इस बार बहुत ही दिलचस्प है, जैसे कि हमने जगतपाल जी सर से बात की थी हमने अभी, क्योंकि इस मैदान में जैसे अभी बात की थी कि बहुत ही कुख्यात आतंकवादी जैसे लोग थर थर काँपते थे, वैसे आतंकवादी भी आज खड़े हैं, वैसे कैंडिडेट खड़े हैं, और भूतपूर्व विधायक हम अभी राजा पीटर जी खड़े हैं, विकास मुंडा जी खड़े हैं, और बीजेपी के जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उनकी कैंडिडेट भी रीता मुंडा खड़े हैं। तो और एक बात इसमें सामने आ रही है कि जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले गए हुए थे अड़की ब्लॉक में, हमने ये देखा कि ऐसे गांव हैं जहां पर उन्होंने कहा कि हम लोग वोट देने जाते थे तो वो आतंकवाद नक्सलवाद उग्रवाद ऐसा थे जो उनका अंगुली काट दिया जाता था, लेकिन ऐसे ही उग्रवाद आज खड़े हैं चुनाव मैदान में। तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है ये, क्योंकि एक वोट का विरोध करने वाला मनुष्य मानव आज फिर से और वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो ये बहुत ही दिलचस्पी लग रही है। जगतपाल सर, पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो पार्टी से जो कैंडिडेट खड़ी थी सालिनी टूटी, वो मतदान लाई थी 2821, तो इस बार उसी पार्टी से खड़े हैं विकास कुमार मुंडा जी, तो उसका जीत इस बार चुनौती दे रही है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से एक बड़ा दिलचस्प विषय है, और इस विषय पर बात जरूर करना चाहिए, क्योंकि पिछले बार का जो चुनाव था 2014 में, उसमें विकास कुमार मुंडा की जो जीत का सेहरा उनको लगाया गया था, उसमें कहीं ना कहीं आजसू और बीजेपी चूंकि संयुक्त था और उसके साथ उस कैंडिडेट खड़े थे, तो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था, और इस बार तो बिल्कुल आजसू और बीजेपी भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर चुकी है। लेकिन सवाल आपका जो है कि झामुमो से खड़े हैं और उन्होंने पार्टी में भी जाने में भी काफ़ी थोड़ी देरी कर दिया, कहीं ना कहीं झामुमो का जो पिछले 2014 का चुनाव है, जिसमें 2000 जैसे आपने बताया कि 2000 से के आसपास में इनका जो चुनाव का एक मतदान उनको मिला हुआ था,
तो एक बहुत चैलेंज वाला विषय है उनके लिए कि पिछले बार का चुनाव में आज वो कितना ऐसा क्या करते या क्या करेंगे कि वो विनर के स्टेज पर खड़े होंगे। तो एक बहुत दर्शनीय विषय है क्योंकि अभी जो है ना विकास कुमार मुंडा जी सिटिंग विधायक तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से हैं और अभी जो चुनाव होने वाली है उसमें वो उन्होंने ऐसा पार्टी को चुना है जिसका ग्राउंड पिछले 2014 के चुनाव में बहुत कम था, लेकिन उनकी क्या ऐसा समीकरण होगा ये देखने वाली बात होगी। चुनाव हालांकि ये जनता के दिल में जाने की बात है, जनता निर्णय करती है, जनता चुनती है कि कौन अच्छा, उनके लिए है इसमें है। और बात आ रहा है जगतपाल सर, जैसे कि पिछले बार जेएमएम कैंडिडेट यहाँ से मात्र 2000 वोट लाई थी। हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये यदि ये बड़ी जीत हासिल करते हैं या बड़ी समीकरण लाते हैं विकास मुंडा तो उनकी छवि और उनका पिता की छवि से ही ला सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है, सामने आ रही है। एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं 2000 के आसपास 2014 का उनका अगर जनादेश था और अभी अगर वो विनिंग कंडीशन में जाएंगे तो उनका फादर उनके पिताजी रमेश सिंह मुंडा हो या पिछले 5 सालों के कार्यकाल के दौरान जो विकास मुंडा ने अपने क्षेत्र में कार्य किया है उसके बेस पे लोग वोट करेंगे। लेकिन अगर झामुमो का ग्राउंड देखा जाए, हालांकि निश्चित रूप से झामुमो का ग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत एक चिंतनीय विषय जरूर है एकदम। लेकिन अगर झामुमो का जिस प्रकार से अभी चल रहा है दौर या अलग अलग तरीके से झारखंड प्रदेश के अंदर में, तो झामुमो के साथ साथ में विकास कुमार मुंडा का जो पिछले 5 साल का जो अपना कार्य है, हालांकि जो लोग आजसू में रहे होंगे या बीजेपी में रहे होंगे तो शायद हो सकता है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बदलेंगे या तो नहीं बदलेंगे या बदलेंगे, ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन जिस प्रकार का ग्राउंड अगर लगता कहीं ना कहीं है कि झामुमो का एक बहुत बड़ा गढ़ है, ये कहना बिल्कुल गलत है। और एक चीज मुझे याद आ रहा है, जब शिबू सोरेन केंद्रीय मंत्री थे और यहाँ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब बनने के लिए जब यहाँ से इस विधायक सीट से सिटिंग चुनाव लड़ा था तब उन्हें राजा पिटा जी से उनको मुंह की खानी पड़ी थी। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये पिछले दौरा देखते हुए कहा जा सकता है कि ये जेएमएम का गढ़ बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, उस तरीके से देखा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कह सकते हैं कि गढ़ होता है, वो गढ़ तो खैर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन्होंने उस पार्टी को चुना है और उसमें वो खड़े हुए हैं तो ये भी एक चीज है कि भाई जैसे कालांतर में वक्त बदलता है, समय बदलता है, लोगों की मानसिकताएं बदलती है और झारखंड प्रदेश के लोग सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके हिसाब से लगता कहीं ना कहीं है कि झामुमो आगे वाले वक्त में आएगा। लेकिन जिस प्रकार का दौर 2014 में था उसके हिसाब से बहुत अभी जनता इस पर डिसाइड करेगी क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उसके हिसाब से झामुमो का गढ़ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम दिखाई पड़ता है। इस बार के चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने वोट से मतलब वोट मिलने पर जीत हासिल हो सकती है? हाँ, एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि जब हम आपको ये बताएं कि कितना वोट लाए कि तो एक विनर विनिंग कर सकता है, इससे पहले हम जानेंगे कि 2014 का क्या समीकरण था। 2014 के चुनाव में लगभग 188,000 के से लगभग ऊपर की वोटरों ने वोट करी थी, उसमें से लगभग 57,000 से ऊपर का वोट मिला था जो विनर कैंडिडेट था, जो विधायक बने विकास कुमार मुंडा, और लगभग 31,000 से थोड़ा सा ज़्यादा के आसपास जो उसके रनर थे कह सकते हैं राजा पीटर थे उनको वोट मिला था। तो उस वक्त की जो वस्तु स्थिति थी उससे कहीं अलग है। अभी 2019 में जो वोटों की संख्या होने वाली वो 206,322 ये वोटर हैं, जिसमें से पुरुषों की जो वोटर की संख्या 102,454 और महिलाओं की है और पुरुषों की 103,860 वोटर हैं। तो इस बार का जो चुनाव है वो एक बहुत दिलचस्प होने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है, कैंडिडेट जिस प्रकार से इस बार खड़े हैं वोट इस बार कटने वाला है, क्योंकि बीजेपी इंडिपेंडेंट अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारी है, आजसू का भी कैंडिडेट है, झामुमो का भी कैंडिडेट है, जेवीएम का भी कैंडिडेट है, झापा का भी कैंडिडेट है, मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि निर्दलीय भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो इसमें चुनाव में लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग अगर 60-70% का वोटिंग अगर यहाँ पे होता है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में तो विनिंग कैंडिडेट जो होंगे वो 30,000 से 40,000 के बीच में अगर कोई वोट अगर एक्वायर करता है या वो ले करके आता है तो कहीं ना कहीं वो एक विजेता बन सकता है। तो अगर वोटिंग इस पर डिपेंड करता है कि वोटिंग का क्या रेशियो होगा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में, अगर वोटिंग की रेशियो ठीक ठाक रही लगभग 60-70% का रहा होगा रहेगी तो लगभग 30,000 से 40,000 के बीच में लगभग 25-30-40,000 के बीच में अगर वोट जिसने भी लाया, चूंकि वोट तो कटेगी, जिसने भी लाया वो विनिंग कैंडिडेट हो सकता है, वो विधायक तमाड़ विधानसभा का बन सकता है, ये लगभग समीकरण दिख रहा है इस आधार पर।
सर, इस बार जो चुनावी मैदान में दिख रहा है इतने कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट खड़े हैं, 17 कैंडिडेट हैं, तो उनमें से सबसे चर्चित कैंडिडेट कौन है? चर्चित कैंडिडेट तो देखिए अभी तो माहौल सबका है ही है, 3-4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका चर्चा लोगों के बीच में है, जिसमें से अगर हम बातचीत करें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, हर पार्टी अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो आजसू की हो, चाहे जेएमएम की हो, चाहे और भी झापा की हो, और भी जैसे पार्टियां हो, सब अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जीत तो हमारी होनी है। लेकिन अभी जैसे विधायक विकास कुमार मुंडा जो कि अभी जेएमएम में चले गए हैं, राजा पीटर जी हैं जो एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं, हालांकि वो भी विधायक रहे हैं, यहाँ तक कि मिनिस्टर भी रहे हैं, बीजेपी का एक बहुत बड़ा गढ़ भी है यहाँ पर, तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो 2-3-4 ऐसे लोग हैं जिसका मैंने नाम आपको बताया, उसमें कुछ निर्दलीय लोग भी शामिल हैं, उनका नाम अभी है, लेकिन जनता जनादेश जनता जो है ना वो डिसाइड करेगी, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन इतना जरूर है कि 4-5 कैंडिडेट हैं जिनके बीच में एक टक्कर होने वाली है और इनके बीच में ही कोई कैंडिडेट ऐसा होगा। देखिए हम लोग गांव-गांव में गए ना, तो उसमें से गांव में सबसे चर्चित तो कोई जो कैंडिडेट है उसका चर्चित हो रहा है कि इस बार इस कैंडिडेट को उतारना है, ऐसे में आपको कैसा लग रहा है? देखिए कैंडिडेट तो जो भी विनिंग करेगा या जो भी जीतेगा या जो भी अच्छा जनादेश जिसको जनता देगी उनके कार्यों के आधार पर देगी, हालांकि आज जो वोट बिकता भी है ऐसा नहीं है कि नहीं बिकता, एक बोतल दारू में लोग वोट बेच देते हैं, लेकिन सवाल उसका नहीं है, सवाल यह है कि जो जैसा कार्य किया है उसके आधार पर ही लोग चुनेंगे। कई बार हम लोग देखे अपने रिपोर्टिंग के दौरान कई जगह में ऐसा भी देखने का मौका मिला कि बहुत सारे लोग विधायक को भी नहीं देखे, ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे कि पूर्व विधायक को भी नहीं देखे, कुछ लोग जान रहे हैं, कुछ लोग नहीं जान रहे हैं, नाम केवल जान रहे हैं, हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अनजान है, हाँ कुछ लोग बिल्कुल अनजान है, जागरूक नहीं है, 50-60% ऐसे लोग जागरूक है, उनको पता है कि किनको करना चाहिए किनको नहीं करना, लेकिन कुछ वोट ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल किसी के बोलने से वोट दे देंगे। हाँ। तो ये डिसाइड होगा कि किस प्रकार से आने वाले टाइम में होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि 4-5 लोग ही हैं जिनका नाम अभी है, लेकिन पूरी स्पष्टता के तौर पे देखा जाए तो अभी 1-2 दिन के बाद और पता चलेगा कि हवा किसके रुख में और बह रहा है। तमाड़ विधानसभा में केवल पार्टी को ही देख के नहीं दे रही है मतदान, तो इसमें से कहीं ना कहीं यहाँ के जनता को उनके नाम से, काम से और छवि से ही वोट दे रही है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनसीपी, अगर जहाँ तक आपने बात शुरू की कि भाई एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी का कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में, मुझे लगता है ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से अगर राजा पीटर की बात आ रही है तो वो एनसीपी के बेस पे शायद नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत छवि से, व्यक्तिगत कार्यों से के आधार पे ही वो चुनाव पे मैदान पे लड़ रहे हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि भाई कल के तारीख में अगर बोला जाए तो राजा पीटर को लोग एनसीपी की वजह से नहीं जान रहे हैं, उनके कार्यों से, उनके कार्यों और उनके नाम से लोग जान रहे हैं, ये भी बात सामने आ रही जनता के बीच में कि एनसीपी के बारे में तो ठीक है वो नेशनल स्तर की पार्टी है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की बात हो तो राजा पीटर का जो ये है अपना व्यक्तिगत जो छवि उन्होंने बनाया उसी बेस पर लड़ रहे होंगे ताकि उनको उससे उसका फायदा मिले। काशीनाथ, तमाड़ विधानसभा में क्या क्या कमी है जो होनी चाहिए थी? देखिए हम लोग तो आशीष न्यूज की टीम तमाड़ विधानसभा और सिल्ली विधानसभा को खासकर ज़्यादा कवरेज कर रही है, लेकिन ये दोनों क्षेत्र में देखा जाए जैसे कि राहे, मैं राहे लेता हूँ, सोनाहतू लेता हूँ, इधर तमाड़ लेता हूँ, अड़की लेता हूँ, इस सब को मिला के देखा जाए तो यहाँ पे मात्र एक ही ग्रेजुएशन तक कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर पीजे स्तरीय कॉलेज या उच्च स्तरीय कॉलेज है ही नहीं, और जबकि रांची में देखा जाए तो यहाँ के गरीब लोग गार्ड काम करते हैं या कुछ भी काम करते हैं वहाँ पर उच्च स्तरीय पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है ये कॉलेज का होना अति आवश्यक है। जो पिछले विधायक जो आज से 19 साल तक रहे, किन्हीं ने इनके ध्यान पर नहीं रहा कि ये काम होना चाहिए था, और मुझे लगता है ये काम होना ही चाहिए। क्या जगतपाल सर, बिल्कुल एक चीज अब मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा, आपने पीजी की बात करी, वो बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्टेप आपने बताया। दूसरी चीज क्या है ना कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ गांव का ये क्षेत्र है और गांव के लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, सही बात, और शिक्षा की तो कमी है, रोजगार भी नहीं है, और दूसरी चीज क्या है, रोजगार के लिए कोई इसे उपाय भी नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ खेतीबाड़ी करने वाले ज़्यादा लोग हैं, यहाँ कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, किसी प्रकार कल कारखाने नहीं है, कोई बड़ा ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, है ना, ये तमाम चीज़ों को लेकर के बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कमियाँ तो हैं, लेकिन इनको लेकर के अभी चर्चा जो भी कर रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो,
देखिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, शिक्षा तो यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है। हाँ टेक्निकल हाँ, कॉलेज में आप अगर बोलेंगे तो अभी ऐसा बड़ा कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अभी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रखा है, आईटीआई है, तो एक हायर को जो एजुकेशन, जबकि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहाँ पर बहुत गरीब तबके का लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके पास मीन्स बहुत कम है, उनके पास साधन बड़ा कम है। और आपने देखा होगा कि बुंडू तमाड़ के लोग सुबह सुबह बस में अपने बच्चों को पीठ में बांध करके लोग लेके जाते हैं और रांची में चाहे जैसे आपका काटारोली चौक हो गया, लालपुर चौक हो गया, यहाँ पर खड़े रहते हैं, ऐसे लगता है मानो मना यहाँ पर लोगों का सेल लगा हुआ, लोग ठेकेदार आते हैं उनको लेके जाते हैं। तो एक बड़ा रोजगार का बड़ा चैलेंज है, बहुत बहुत चैलेंज है। शाम को जब आप रांची से लौटेंगे तो बस एकदम ऐसे खचाखच भीड़ भरी रहती है, जहाँ पर वो जो लोग काम करने वाले लोग जो गरीब तबके के लोग हैं काम करने के लिए जाते हैं और वापस शाम को लौटते हैं। तो जरा सोचिए कि रोजगार अगर उनके लिए मुहैया करा दिया जाए, एक अच्छा रोजगार। देखिए आज अगर लोग लाल कार्ड पीला कार्ड या हरा कार्ड की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कौन लोग ये बात करते हैं, जिनके पास नजर में, आपके नजर में ये रोजगार के साधन क्या हो सकते हैं? देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि रोजगार एक बड़ा विषय है, देश भर में एक बहुत चर्चा का विषय है कि रोजगार आज आए दिन सब लोग बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि देखिए आज हम लोग चर्चा का विषय में है, हालांकि एक बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा एजेंडा है भारत के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा एजेंडा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कौशल विकास योजना की चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कौशल विकास तो ठीक है, लेकिन जो लोग कौशल विकास का केंद्र चला रहे हैं वो बहुत एक बड़ा माने मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है उसके अंदर में। रही बात अगर कौशल विकास के माध्यम से हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं, लेकिन खानापूर्ति और पेपरबाजी हो रहा है, बस केवल नाम पूर्ति हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन तमाम चीजों को हुनर सिखाया जाए, तमाम चीजों को हुनर सिखाया जाए, जिसको बोलते हैं जिसके पास हुनर है उसके जीवन में कदर है, तो हुनर एक प्रैक्टिकल काम होता है। आज एजुकेशन के नाम पर लोग बहुत अलग तरीके से लोग व्यापार की तरह कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो है ना, मैं अगर एक बात कहूँ कि आज अगर 30-40 साल का कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं गरीब हूँ, महंगाई के बारे में बोलता है कि महंगाई आखिर किसके लिए ज्यादा है, जिसके पास इनकम कम है, रोजगार कम है, उसके लिए महंगाई बढ़ा है। तो महंगाई को कम करने के लिए कुछ उपाय ऐसे किए जाए जिससे महंगाई कम होगा, ऐसा नहीं, आप अपने रोजगार को बढ़ाओ। रोजगार बढ़ाओगे तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसको लेकर के बहुत बड़ा विषय है, इस पर चर्चा होना चाहिए। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, और उन अवसरों पर अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से एक आदमी आम से खास बन सकता है। और ये अगर कैंडिडेट्स, जो भी हमारे कैंडिडेट्स अभी मैदान में हैं, अगर इन चीज़ों पर गौर करें, मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिसको अगर प्रमोट किया जाए, लोग टेक्निकली और फिजिकली और टैलेंट को बढ़ाने के लिए काम किया जाए, तो बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज भी, हम समझते हैं कि डायरेक्शनिंग भी इंडस्ट्री का अच्छा बिल्कुल 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 डायरेक्शनिंग इंडस्ट्री की बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, जिसको लेकर के एक आदमी अपने जीवन में बढ़िया करियर बना सकता है। और इसका उदाहरण आज विदेशों में 40-50 साल से लोग डायरेक्शनिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो डायरेक्शनिंग को लेकर आम आदमी के प्रति जागरूकता आनी चाहिए। डायरेक्शनिंग इंडस्ट्री मुझे लगता है इसको भारत सरकार ने जिस तरह से पहल की है, धीरे धीरे पहल की, उसी तरह से प्रत्येक राज्य सरकार को इसको पहल करना चाहिए। डायरेक्शनिंग इंडस्ट्री की ऐसा इंडस्ट्री है जो एक आदमी को खास बना सकती है, उसके अंदर में पोटेंशियलिटी है। ये जितना जनसंख्या बढ़ेगा इसकी उतनी वैल्यू बढ़ेगी आने वाले टाइम में, हो सकता है 1-2 सालों में, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून भी बना रखा है, तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं इनको भी इसके ऊपर में सोचना चाहिए, ताकि ऐसे कोई यूनिट खोले जाए, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ताकि लोगों को इसके ऊपर में ट्रेनिंग मिले, लोगों को जागरूक मिले। सब एक बात बोलना चाहिए, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है प्रत्येक साल, तो इसके विषय में क्या करना चाहिए? देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है ये एक बड़ा विषय है, बेरोजगारी बढ़ किस कैसे रही है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही तो कहीं ना कहीं मींस की कमी है, साधन की कमी है, ऐसा कोई रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं, उसको टेक्निकली हाँ ये आज और मुझे लगता है रोजगार के अवसर पैदा करना ही चाहिए, क्योंकि नौकरी कोई भी सरकार सबको नहीं दे सकती कोई भी नहीं दे सकती, तो उसके लिए एक व्यक्ति को स्किल्ड बनाना पड़ेगा, उसको जागरूक करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा। और चूंकि बहुत सारे ऐसे विषय तो हमारा आज का चुनाव का है, हालांकि उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में कभी कि कैसे रोजगार को बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर के, लेकिन चुनाव का जो दौर है उसमें मुझे लगता है रोजगार पर बहुत सारे हम लोग बात कर लिए। हाँ, बेरोजगारी को हटाने का एक अच्छा मुद्दा हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा रोजगार है, रोजगार पैदा हो जाएगा तो ये सारी चीजें लगभग खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सही बात है। तो आज की इस चर्चा के विषय में हम लोग यहाँ पर आशीष न्यूज की टीम बैठी थी, जिसमें चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने देखा कि चुनाव का क्या माहौल है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में, और उसमें से कौन सा विनिंग कैंडिडेट है, और कितना वोट अगर एक्वायर करता है, जीतता है या लेकर के आता है, तो जनादेश जनता उसको दे सकती है।